यही गवाह इस बात की कि वी हैव ऑलवेज अचीव्ड द इम्पॉसिबल। द वर्ल्ड कैन नेवर बी डन। बच्चों, जो फैसले अल्लाह कर देता है, अल्लाह की बंदों की जबान से वो सिर्फ अदा होते हैं, उन फैसलों में कोई तब्दीली नहीं होती। लेकिन इंसान खुश नसीब होते हैं जो अपने आप को उस फैसले का हिस्सा बनाता है। अपने वक्त के मिजाज को समझो। आज अल्लाह ने कुछ फैसले कर दिए, कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने होना है, कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह का हुक्म और फैसला था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल इम्पॉसिबिलिटीज, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड। इट वॉज क्रिएटेड अल्हम्दुलिल्लाह। 50 लाख शहदा के साय में ये मुल्क बना है। ये मुल्क, इसको छोटा नहीं समझना, ये पूरी 1400 साल की उम्मत की तारीख लेकर अपने साथ आया है। अल्लाह उसके रसूल का साया है इसके ऊपर। ये पाक सर जमीन, ये किश्वर हसीन, ये सब जिलाली परचम, ये परचम सितारों हिलाल, रफ़र तरक्की और कमाल, ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल और जान इस्तकबाल भी है, और इस पर साया होता है तो जलाल। मायूस मत होना कभी, बात ध्यान में रखो बच्चों, अल्लाह के फजल से तुम्हें बताएं इस पाकिस्तान का पोटेंशियल क्या है। हमें आज कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में है क्या, ये पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान क्यों बनाया हमने। आए आपको बताएं इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान का रोल, अब तक हम क्या रोल अदा कर चुके हैं। आज अगर पूरी मशरक और मगरब में मुसलमानों की आबरू की हिफाजत किसी हद तक अगर की जा रही है, तो आपके इस पाकिस्तान की वजह से। आपके दुश्मन आपको ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। नोट नहीं करते मेरे बच्चों, अल्लाह के फजल से हमने जिस फील्ड में हाथ रखा है उसकी उरूज पर पहुंचे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि यह पाकिस्तान बच जाता। अल्लाह के फजल से 1947 में हम बचे भी, हम उरूज पे भी पाए। हमें चोट लगी 71 में, कोई बात नहीं, कौमों को लगती है। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, जिसको दुनिया समझ रही थी कि अब ये पहले 47 के बाद फिर 71 के बाद नहीं बचेगा, वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर, जिसको दुनिया समझती थी ये कमजोर मुसलमान मुल्क है, हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, तोड़ के इसको अलग करके रख दिया, 20 करोड़ मुसलमान आजाद कराए जो सेंट्रल एशिया में पिछले 150 साल से सोवियत गुलामी में। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने बैकवर्क इंडियन एंड इसराइली एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर कॉम्बैट में मार के गिराया हुआ है। दे आर स्केयर्ड ऑफ अस, दे टेररिज्ड ऑफ अस। पूरी मुसलमान दुनिया की फोर्सेस को हम तरबियत देते हैं और ट्रेन करते हैं। वी आर द रिचेस्ट कंट्री ऑन दिस गॉड्स अर्थ, वी आर द बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल, वी आर द मोस्ट ब्रिलियंट सिविलाइजेशन एंड मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन द मुस्लिम वर्ल्ड विद अस। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम हमारे पास है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्ला पैदा करने वाला मुल्क हम है, दुनिया के सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल से इश्क और मोहब्बत करने वाली कौम है। रियलाइज द टाइम इन विच यू हैव बीन बॉर्न। अब हम आपको वही बात दोबारा रिपीट करते हैं, खुश नसीबों के दौर में, खुश नसीबों के अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर तुम्हारे हवाले कर दी, तुम्हारी तकदीर उसकी तकदीर बने, तुम्हारी रजा से वो लिखेगा कि क्या करना चाहना चाहते हैं, लेकिन शर्त उसकी एक दे दी उसने कि मोहम्मद से वफा से वफा करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं करना, डू नॉट बिट्रे योर रसूलुल्लाह, ऑन द डे ऑफ जजमेंट यू शुड नॉट बी अशेम्ड इन फ्रंट ऑफ हिम।